नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ज़बरदस्त होम रेमेडी लेकर के आया हूं, जिसके इस्तेमाल से आप अपने पुराने से पुराने और ज़िद्दी से ज़िद्दी दांत खाज खुजली को जड़ से ख़त्म कर पाएंगे। दोस्तों दांत खाज खुजली एक ऐसी बीमारी है जिसे लोग बहुत छोटी बीमारी समझते हैं, और यह छोटी बीमारी है, लेकिन कई बार यह लोगों को इतना परेशान करती है कि यह फैलने लगती है, यह ठीक नहीं होती और पैसे खर्च करने के बाद, डॉक्टरों के चक्कर लगाने के बाद भी ठीक नहीं होती, पीछा नहीं छोड़ती। तो दोस्तों आप लोग सचमुच अपने दांत खाज खुजली को ख़त्म करना चाहते हैं तो आज के इस नुस्खे को आप लोग इस्तेमाल कीजिएगा। आप लोग जब इसे पहली बार अपने दांत खाज पर लगाएंगे, पहले बार से ठंडक मिलेगी, आराम मिलेगा और आपकी दांत खाज खुजली बहुत जल्दी ठीक होगी। दोस्तों शरीर के किसी भी हिस्से में दांत खाज खुजली हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इस नुस्खे की जानकारी आपको रहेगी, भविष्य में कभी भी आपको खुजली हो आप इसे बनाकर लगा लीजिएगा, आपकी खुजली ठीक हो जाएगी, आपका वक्त बच जाएगा, आपके पैसे बर्बाद होने से बच जाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा। इस नुस्खे में सबसे पहली चीज़ आपको लेनी है दोस्तों, लगभग आप एक चम्मच के आसपास शुद्ध नारियल का तेल लें। नारियल का तेल हमारे स्किन को इन्फेक्शन से बचाता है और हमारे स्किन को न्यूट्रिशन देता है, स्किन को पोषण देता है। आपने एक चम्मच नारियल का तेल लिया, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आपको इसमें एक चम्मच नीम का तेल लेना है। नीम का तेल ज़बरदस्त एंटी फंगल एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं इसके अंदर, जो दाद खाज और दिनाए को जड़ से उखाड़ कर फेंकने की अपने अंदर क्षमता रखता है। इन दोनों को मिलाने के बाद यह कुछ ऐसा दिखने लगेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। दांत खाज खुजली से परेशान है तो इस नुस्खे को ज़रूर आजमाइएगा, फ़ायदा मिलेगा आप लोगों को। और अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमने इन दोनों को आपस में मिक्स कर लिया। इसके बाद दोस्तों ये जो आप देख रहे हैं ये है काले अंगूर, काले अंगूर हैं। तो आप लगभग 3 से 4 काले अंगूर लें और इन्हें पीस करके इनका पेस्ट तैयार कर लें। इनको पीस करके इसका पेस्ट बना लें और लगभग इतनी मात्रा, एक चम्मच के आसपास आप ले करके इनको आपस में मिक्स कर दें। इन सब को आपस में आप अच्छे से मिक्स करें। ध्यान रखिएगा जब आप इसे मिक्स कर लेंगे तो मिक्स करने के बाद इसे आप तुरंत मत लगाइएगा। इसे मिक्स करने के बाद इसे कम से कम 1 घंटे के लिए आप ऐसे ही छोड़ दें। 1 घंटे के बाद आप इसे ले करके अपने दांत खाज खुजली वाले इलाके पर लगा लें। रात में लगाएं, जहाँ पर भी दांत खाज खुजली है वहाँ पर पूरे अच्छे से लगा लें, रात भर उस जगह पर रहने दें, सुबह धो लें। हर दिन आप इसका प्रयोग करें दोस्तों, आप पाएंगे कि आपकी पुरानी से पुरानी और ज़िद्दी से ज़िद्दी दांत खाज खुजली को यह नुस्खा जड़ से ख़त्म कर देगा।